अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ से मैं हूँ जैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको मज़ीद बताएं, बाटा पुर में दरीना रंजिश पर गोलियां चल गईं। पुलिस के मुताबिक सजावल ने अली नवाज़ को गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। मुलजिम मौका से फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद सरफराज से। सरफराज बताइएगा। बाटापुर में दरीना रंजिश पर गोलियां चल गईं। पुलिस के मुताबिक सजावल अली नवाज़ को गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। मुलजिम मौका से फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बाटापुर में दरीना रंजिश पर गोलियां चल गई हैं और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सजावल ने अली नवाज़ को गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद सरफराज से। सरफराज तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बाटापुर का इलाका है जहाँ पे दरीना रंजिश पे नौजवान को गोलियां मार के शदीद जख्मी कर दिया है। अवान डोम के अली नवाज को मोहल्लादार सजावल ने गोलियां मारी है। अली नवाज को मुकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अली नवाज चिकन सेल फ्रंट की दुकान चलाता था। चंद हफ्ते कबल भी इनका आपस में झगड़ा हुआ, जिससे तहस में आके मुलजम की जानब से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अली नवाज जख्मी हो गया। बाटापुर पुलिस का कहना है कि तमाम तर वाकये की एफ आई आर दर्ज की जा रही है और जो मुलजम है उसको जल्द गिरफ्तार कर दिया जाए। ठीक है, तमाम तर वाकये की एफ आई आर दर्ज की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज।